नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला थम नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के बाद नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की भाटपारा नगर पालिका की 26 सीटों पर हुए चुनाव परिणाम सामने आए हैं। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से सभी राजनीतिक विशेषकों को चौंका कर रख दिया है। 42 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को भारी नुकसान हुआ। भाजपा के इस बार टीएमसी कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ममता बनर्जी को अपने ही राज्य पश्चिम बंगाल में 12 लोकसभा सीटों का नुकसान हो गया है। इस चुनाव में भाजपा और टीएमसी के वोट शेयर में मात्र 3% का अंतर रह गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के भाटपारा नगर निकाय की 26 सीटों पर हुए थे चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस का सफाया करते हुए 26 सीटों पर दर्ज जीत की। भाटपारा नगर पालिका की एक भी सीट पर ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार सफल नहीं हुए। भाजपा की तरफ से गौरव सिंह भाटपारा नगर पालिका के नए चेयरमैन चुने गए हैं। आपको बता दें कि यह पश्चिम बंगाल की पहली नगर पालिका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भाटपारा नगर पालिका में भाजपा की जीत का क्या कारण है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।